श्रीमान लालू प्रसाद यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। अपने परिवार को छोड़ करके ये अपने पार्टी के भविष्य को भी अंधकार में डाल दिए। भविष्य अंधकार में है, लालटेन बुझने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं ये घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखने शुरू कर चुके हैं कौशल बिहार, मैं सिंह आपके साथ। इस बार जब नरेंद्र मोदी पूरे 18 महीने के बाद 2 मार्च को बिहार दौरे पर आए, तो उनके अनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं नजर नहीं आए। ऐसी कयासें लगाई जा रही है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग न होने के कारण एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर महागठबंधन भी एक के बाद एक इन्हें ऑफर किए जा रहा है। साथ ही साथ ये चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान में भी लाना चाह रहा है, जिसको लेकर लगातार महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को अलग अलग प्रकार के ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से जब पत्रकारों ने बातचीत की, तो उन्होंने साफ कहा कि लालू परिवार अपने परिवारवाद के कारण जो नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम शुरू की है उससे डरा हुआ है। वे देश के साथ साथ अपनी पार्टी को भी इस परिवारवाद के कारण खतरे में डाल रहा है, जिसके कारण वे डरे हुए हैं कि अब उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर वे इस तरह की बातें कयासों को जन्म दे रहे हैं। तो पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सीएम। श्रीमान लालू प्रसाद यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है, और उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य हमारे बाद साफ है, मेरी पार्टी की भविष्य साफ है, क्योंकि किसी को ये सेकेंड लाइन में खड़ा नहीं कर सके। अपने परिवार को छोड़ करके ये अपने पार्टी के भविष्य को भी अंधकार में डाल दिए हैं, और इसलिए भविष्य अंधकार में है, लालटेन बुझने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं ये घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। भी जा रहे हैं आप सम्राट जी, लगता है कि जो सीटों को लेकर के और अन्य चीज़ें हैं, स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, तो चलते रहती है, ये प्रक्रिया है। सर, एक सवाल और है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, क्या ये दोनों एनडीए से नाराज हैं या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? एनडीए पूरी तरह से सशक्त, मजबूत और नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है। तो चिराग पासवान और ये दोनों साथ हैं आपके? सभी लोग साथ हैं। जैसे कि आपने सुना, किस तरह से विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार में लालटेन अब बुझने वाला है, उसका भविष्य खतरे में, उसके साथ साथ जो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी कहते नजर आए हैं कि जल्द ही बिहार में एनडीए सीट शेयर हो जाएगी, उसके साथ एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी बातें जो कयासों को जन्म देती है उन सब पर विश्वास करने वाला नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी के साथ एनडीए में जितने भी घटक दल सभी उनके साथ एकजुट हैं, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दरार एनडीए में नहीं आई। तो आपने सुना क्या कुछ हुआ विजय कुमार सिन्हा ने, तो इतना ही, और बने रही हमारे साथ, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।